If they criticize our democracy, it's not because they lack information. It is because they think they are also political players in our election. That is the reason. You know, I read an article today where some Western media said, you know, it is so hot in India. Why are they holding elections at this time? Now, I read that article and I wanted to say, listen, in that heat, my lowest turnout is higher than your highest turnout in the best way. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेस्टर्न मीडिया की क्लास लगा दी है। भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे देशों की मीडिया बार बार भारत को ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे में जयशंकर ने कहा है कि पश्चिमी मीडिया जानकारी के अभाव की वजह से नहीं बल्कि चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से पॉलिटिकल प्लेयर के रूप में काम करती है। मंगलवार को हैदराबाद में राष्ट्रवादी विचारों के लिए एक मंच को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी मीडिया से इस तरह की बहुत सारी खबरें सुनने को मिलती हैं और अगर वे हमारे लोकतंत्र की आलोचना करते हैं तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास जानकारी की कमी है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे हमारे चुनाव में पॉलिटिकल प्लेयर हैं। आपको बताएं तो वेस्टर्न मीडिया के एक लेख में जिसमें कहा गया था कि भारत में इतनी गर्मी में चुनाव क्यों करा रहे हैं, इस पर जयशंकर ने कहा कि अब मैंने वो लेख पढ़ा है और मैं कहना चाहता हूं कि उस गर्मी में मेरा सबसे कम मतदान आपके सबसे अच्छे दौर से सबसे अधिक मतदान से भी अधिक है। ये ऐसे खेल हैं जो भारत के साथ खेले जा रहे हैं। जयशंकर ने भारत के आंतरिक मामलों में एक्सपर्ट की तरह फ्री का ज्ञान देने वालों को साफ शब्दों में कहा है कि ये हमारी घरेलू राजनीति है जो वैश्विक हो रही है। वैश्विक राजनीति जो महसूस करती है उन्हें अब भारत में घुसपैठ करनी चाहिए। ये लोग हमसे परामर्श किए बिना ये कैसे तय कर सकते हैं कि उन पर शासन कौन करेगा। इसके अलावा जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया है कि वेस्ट वास्तव में सोचते हैं कि वे हमारे मतदाता हैं। मुझे लगता है कि आज समय आ गया है कि हम उनके भ्रम को तोड़ें और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है आत्मविश्वास। विदेश मंत्री ने इस प्रकार के हमलों और आलोचनाओं, रैंकिंग और रिपोर्ट्स के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि वे हर चीज पर सवाल उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वे आपकी चुनाव प्रणाली, आपके ईवीएम, आपके चुनाव आयोग, यहां तक कि मौसम पर भी सवाल उठाएंगे। जयशंकर ने कहा कि सरकार जो निर्णय ले रही है वो सिर्फ अगले 5 सालों के लिए नहीं है बल्कि उस निर्णय से हमारे देश, हमारे समाज और हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत बड़ा आत्मविश्वास आत्मत मिलेगा। ये गारंटी आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति की है। पिछले 10 सालों में हमने जो किया है उसके आधार पर विश्वास की अभिव्यक्ति है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में भारत को दुनिया भर में किस तरह से महत्व दिया जा रहा है ये सब जानते हैं। देश आज अगले 25 सालों के लिए किस तरह से तैयार हो रहा है यही एक मानसिकता है जिसके साथ हमें दुनिया के सामने आने की जरूरत है।